करें और चले जाएं यहाँ से। सुना नहीं उसने क्या कहा है? चलो जाओ यहाँ से। तो फैल भाई, हम तो बस बस बहुत हो गया, निकलो यहाँ से, चलो। सुनो, यहाँ आकर तमाशा करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? हो कौन तुम, बताना पसंद करोगे? मैंने तमाशा किया है। हाँ बिल्कुल, उन लोगों पर तुम ही तो चिल्ला रहे थे। लड़की, मैंने मदद की है तुम्हारी, वो लोग तुम्हें नुकसान भी पहुँचा सकते थे। हाँ तो मैं बात ही तो कर रही थी उनसे, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। अच्छा जी, बिल्कुल सही समझे। मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय तुम मुझे ही से लड़ाई कर रही हो। हाँ लड़ रही हूँ मैं, बड़ा आया मुझे बचाने वाला, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, तुम्हें जरूरत नहीं मुझे बचाने की। मैं छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जो ध्यान न रख सकूं। देख क्या रहे हो, बचाओ मुझे। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है देखने में। बातें मत करो, बचाओ मुझे, मदद करने के बजाय बातें कर रहे हो। मैं तुम्हारी मदद करता, लेकिन तुम्हें तो किसी की मदद की जरूरत ही नहीं है ना, तुम तो खुद अपनी मदद कर सकती हो। मैं तो चला यहाँ से। सुनो सॉरी, अब प्लीज मेरी मदद करो, पानी बहुत ठंडा है, प्लीज। क्या जूते उतारने लग गए हो, मदद करो मेरी। आ रहा हूँ, ज्यादा मुंह मत चलाओ अपना, समझी, वरना मैं फौरन चला जाऊंगा। फेंकने वाला हूँ मैं, और पत्थर चाहिए मुझे। बाबा चले ना, मछलियाँ पकड़ने चलते हैं। चलो अब जल्दी सबके जूते पहनो, चलते हैं। आ जाओ मेरा बच्चा। आराम से यहाँ बैठो और जूते पहन लो अपने। जरा बच्चे आ जाएं, फिर हम नाश्ता शुरू करेंगे। हाँ, ये घर कितना पुराना है? उफ, बहुत पुराना। मेरे शौहर ने बनाया था ये घर। एक एक चीज वैसे ही है जैसे यादगार। लगता है उन्हें गुजरे काफी वक्त हो गया। ऐसा ही है, उस वक्त तो मैं बिल्कुल जवान थी जब वो गुजरे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद। आओ उस्मान। बहुत शुक्रिया परवीन सुल्ताना। खुशामदीद उस्मान अंकल, आए बैठे ना। नहीं, मैं यहाँ बैठने नहीं आया, आप सबको नाश्ते पर ले जाने आया हूँ। हमने बहुत तैयारी की है माँ, आप सबको आना होगा मेरे साथ। असल में हमारे सभी दोस्त सो रहे हैं, उनका आज कहीं और जाने का प्लान था। वैसे चलो ठीक है, फिर तुम जाकर उन्हें घुमाओ, मैं इन सब बड़ों को लेकर जा रहा हूँ अपने साथ। तो चले ना, आए। चलो तो फिर आ जाओ मेफ्तू। आइए परवीन साहब, आओ चलते। आ जाए आप, आप भी आ जाए मेरे साथ। सनान। हाँ? मुझे यहाँ की जगहें घुमाओ ना, हम यहाँ घूमने आए हैं ना, क्या हम एक दूसरे का वक्त भी नहीं मिल सकता? हाँ मिल सकता है, चलो। आखिर तुम जाग गई। यार यालिन, क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। क्या चाहते हो कि आज की सुबह मेरी आखिरी सुबह हो? छोटी सी केसी तो है, वैसे भी कोई नहीं है यहाँ पर, फिक्र मत करो तुम। क्या मतलब, मगर घर के बाकी लोग आखिर गए कहाँ पर हैं? घर के सारे बुजुर्ग उस्मान अंकल के साथ घूमने गए हैं, और सिनान यशम को अपने साथ ले गए। तुम बताओ हम दोनों कहाँ जा सकते हैं?
चलो मेरे साथ एक जगह पर। कहाँ? आज मेरी बारी है तुम्हें ले जाने की। क्या मतलब, मुझे अगवा करने का इरादा क्या तुम्हारा? हाँ बताओ मुझे जरा। हाँ यालन, बल्कि मेरी ही कार में चलेंगे हम दोनों। मगर तुम्हारे पास कार है कहाँ? मुझे ही लेकर जाना पड़ेगा। हाँ, वैसे भी तुम्हें उठाकर मैं कार में नहीं डाल सकती। हाँ, ये बस तुम मच पर छोड़ दो, ठीक है? यार यालन। देखा सब चले गए। हाँ लगता तो यही है। अब हम अकेले हैं यहाँ। ऐसे ही है। क्या कहती हो, हम भी भाग चलें? चलो हम चलते हैं। मैं भी चाबियां लेके आता हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है ले आओ। इसे देखते ही क्या हो जाता है मुझे। उफ, ये क्या हो रहा है मुझे? ऐसकी खुद को संभालना होगा। चलें फिर। हाँ चलते हैं। चलो। मेरी जान आराम से खाओ तुम। बहुत मजे गए। अच्छा चलो ये भी खा लो, थोड़ा कहवा भी पी लो। पेट भर गया तुम्हारा? चलो फिर जाकर खेल लो। ठीक है। लैला क्या हुआ? कुछ नहीं। लैला बोलो। कल दादी ने यशम के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया, मुझे गुस्सा आ गया था बहुत। उन्होंने कहा कि उसके लिए यही बेहतर है कि वो दूर रहे सिनान से, उसका अंजाम हमारे जैसा होगा। हमने दोरुख के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया, वो बहुत छोटा है अभी, उसके तो खेलने की उम्र है। हम दोनों ने अपनी लड़ाई के चक्कर में उस बच्चे का नुकसान कर दिया है बहुत। उसका क्या कसूर था, बहुत मासूम है वो। लैला कहते हो, कैसी लगी ये जगह तुम्हें बता? तुम तो वाकई मुझे बहुत दूर ले आई। अरे मैं तो तुम्हें यहाँ इसीलिए लाई थी कि शायद तुम्हें ये जगह पसंद आएगी। ये तो है। चलो वहाँ ऊपर चलते हैं। और ऊपर नहीं जाऊंगी मैं, सच में पागल तो नहीं होगी? इतनी खतरनाक जगह क्यों जाए? डेफने, तुम बहुत बोलती हो, पता है ना तुम्हें? हाँ मेरी जान, मगर क्या करूं ऐसी ही हूं। चालाक लड़की, चलो आ जाओ। अच्छा
हैज़की, तुम मुझे पसंद करती हो? ये तुमसे किसने कहा है? बस भी करो, उस डांस के बाद से तुम्हारी नजरों में कुछ है। बहुत तजुर्बा नहीं है तुम्हें लड़कियों की नजरों का? एस्की, मैंने कहा था हम दोस्त रहेंगे, अब मैं दोस्त नहीं बन सकता क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। बहुत कोशिश की काबू पाने की, मगर मतलब तुम भी तो कुछ फील करती हो ना। देखो अभी तुम्हारा जख्म भरा नहीं, और हमारे बीच कुछ हुआ तो यकीनन तुम्हें बहुत दुख पहुंचेगा। क्यों, क्या तुम भी मुझे धोखा दोगे? ऐसी बात नहीं, मतलब खुद पे भरोसा नहीं। मतलब नहीं बदलोगे तुम? मैंने कहा कि मैं ना बदला तो। समझ गई, तुम ऐसे ही बहुत खुश हो, खुद को बदलना ही नहीं चाहते। यार मैंने ये कब कहा कि मैं ऐसे खुश हूं? खैर एज़गी, अगर मैं खुद को ना रोक सका तो तुम रोक देना, मैं तुम्हें मतलब दुख नहीं देना चाहता। रोक लूंगी, फिक्र मत करो, हमें अब चलना चाहिए। हमारा गांव खूबसूरत है ना? हाँ जबरदस्त है। सिनान भाई को बेवकूफ बना दिया। हाँ वाकई डेफने, लेकिन मैं जानता हूँ रात को वो जरूर पूछेगा। नहीं भाई, कुछ नहीं होगा, उसे यशम के अलावा कुछ नहीं दिखता, शाम तक तो भूल जाएगा। ये तो है, उसे यशम के सिवा इस वक्त और कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या मतलब है? उनकी कल शिपयार्ड पर तुफैल भाई से बहस हो गई थी। अरे उनकी सबसे बहस होती है। मगर तुफैल भाई ठीक थे। अच्छा वो कैसे? यशम और भाई को एक साथ नहीं देखना चाहते, इसीलिए ना? उन्हें वो नजर आ रहा जो सिनान नहीं देख पा रहा। वो सही है क्योंकि वो खुद भी एक बाप है। उससे क्या ताल्लुक है इसका? उन्हें लगता है कि हम बिल्कुल अम्मी और बाबा की तरह जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन हम दोनों बिल्कुल वैसे नहीं है। लेकिन क्या हुआ उन्हें? उनकी तलाक हो गई। यालन। हाँ बोलो मेरी जान। क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? क्या बताऊं? पता नहीं, मगर तुम्हारी नजरें हमेशा कुछ छुपाती हैं। डेफने। यालन, अब बता भी दो तुम मुझे। मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, जो भी बात है बता दो। अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो मेरा दिल टूट जाएगा, फिर कोई इसे जोड़ नहीं पाएगा। हम मिलकर कोशिश करेंगे। छोड़ो ये बात, मैं ठीक हूं। नींद नहीं आ रही क्या?
तुम्हें? नहीं। लैला। क्या तुम्हें लगता है कि हम सब कुछ ठीक कर पाएंगे? अगर बात और बिगड़ गई तो? क्या मतलब तुम्हारा? मेरा मतलब दुर्ग जो कोशिश कर रहा है हमें एक साथ मिलवाने की, अगर नाकाम हो गए तो? ये अच्छा नहीं होगा। पहली बार। क्या पहली बार? हमने बहस किए बगैर कोई बात की है। अरे 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 अरे, कहाँ जा रहे हो? छोड़े ना मुझे। चलो हम दोनों एक डील करते हैं। क्या मतलब, कैसी डील? मुझे बताओ कि क्या बात है, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। मम्मा और बाबा एक साथ नहीं रह रहे हैं तो मैं उन्हें छोड़ के इस घर से जा रहा हूँ। ओह, वो तो उदास हो जाएंगे। वो भी तो ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ। तो ऐसा है, चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। इधर आओ। शायद उनकी कोशिश है कि तुम्हें तकलीफ ना हो, इसलिए तुम ज्यादा सोच रहे हो। इस बात का क्या मतलब, मुझे किस चीज से तकलीफ होगी? सुनो मेरी बात, मामा बाबा एक साथ नहीं रह सकते, समझे? कुछ लोग साथ नहीं रह सकते, उनकी मजबूरी होती है। क्या तुम भी किसी ऐसे शख्स को जानते हो? मैं डेफिनेट पापा के साथ नहीं रह सकता। देखा, तुम उस पागल लड़की के साथ नहीं रह सकते, और बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारे मामा बाबा भी, मगर वो प्यार करते हैं। तुम भी डेफनी आंटी को पसंद करते हो ना? हाँ, करता हूँ। हाँ, ऐसे ही तुम्हारे वालदैन हैं जो साथ नहीं रह सकते। जानते हो उन्हें किससे प्यार है? हाँ, यानी क्या तुम इस बात का मतलब जानते हो? मुझसे प्यार है। बिल्कुल, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से अलग नहीं होते, जबकि साथ नहीं रह सकते उनकी पूरी कोशिश है कि वो दोनों तुम्हारे साथ रहें। ठीक है, समझ गए? थोड़ा सा ही समझा मैं। क्या मतलब थोड़ा सा, क्या समझ नहीं आया? अगर उन्हें मुझसे प्यार है तो हम तीनों एक साथ क्यों नहीं रह सकते? सुनो, क्या तुम चाहते हो डेफनी आंटी हमेशा पास रहें तुम्हारे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बहुत बोलती हैं, पका देती हैं मुझे। यही बात, तुम्हारे वालदैन जितना रह सकते हैं उतना साथ रह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ, अब मैं समझ गया पूरी बात। शाबाश, तो चलो अब अपने बिस्तर पर जाओ। चलो अब जल्दी से जाओ। हम जोड़ेंगे मिलकर तुम्हारा टूटा दिल। हाँ हाँ।
चलो अब सब बता दो। उन दोनों की पसंद की शादी थी। बाबा को मामा से पहली नजर में प्यार हो गया। मामा भी बाबा के प्यार में गिरफ्तार थे और उसी प्यार के साथ उनकी शादी हो गई। एक बच्चा हुआ और उस प्यार को बचाने के लिए एक और बच्चा। मामा का प्यार खत्म हो गया, शादी नहीं चल सकी। जानती हो एक मां पैसे के लिए अपने बच्चे को छोड़कर चली गई। और बाप इसलिए छोड़ गया क्योंकि उसे वो यादें जीने नहीं दे रही थी। अफसोस की बात है, उन्होंने तो बहुत ही अच्छे बच्चे गवा दिए। यही तो बात है। क्या मतलब तुम्हारा? तसल्ली। तुमने कहा था टुकड़े टुकड़े जोड़ेंगे, मगर तुम तो तसल्लियां दे रही हो। नहीं तो नुकसान उनका हुआ है तो मैं तसल्ली क्यों दूंगी? जानती हो तुम तो मुझे डिप्रेशन भी नहीं होने देती हो मेरी जान। कोई शक है क्या तुम्हें? मैं पागल नहीं हूं। हाँ वैसे फ्रॉड ने ठीक कहा था। दिल हल्का हो गया ना, अब अच्छा लगेगा। मगर ये सब सिर्फ तुम्हें ही बताया मैंने। मुझे भी। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग तुम्हें भी भाई। बात हो सकती है अभी? सिनान ये सही वक्त नहीं। वक्त यही सही है, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं आपका। यार भाई टाइम जाया हो रहा है। मैं यशम को प्रपोज करने के लिए जा रहा हूँ भाई, और बड़ा भाई होने के नाते आपको इस काम में मेरा साथ देना, ये चाहता हूँ मैं आपसे। तो तुम मेरी वार्निंग नजरअंदाज कर रहे हो सिनान? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और इसमें बुराई क्या है, मैं बस एक चांस ही तो लेना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मालूम होता तो ये चांस ना लेते। यार भाई बस जिद बंद कर दे अपनी, दो रुख सबसे ज्यादा मेरे पास होता है। लैला को भी देखता हूँ मैं, दो रुख को भी देखता हूँ, आपसे ज्यादा चीजों को समझता हूँ भाई। सिनान यार भाई कह रहा हूँ ना, जिद बंद कर दे अपनी। आपको हाँ बोलना या ना वो जल्दी बोले बस, बल्कि मैं तो जानता हूँ कि क्या बोलेंगे आप। अच्छा तो तुम सब जानते हो, बताओ जरा क्या जानते हो तुम? क्या जानते हो कि जिस औरत से प्यार हो उसे दूर रहना कैसा लगता है? कैसा लगता है उसे सिर्फ देखते रहो, करीब ना जा सको। बेवकूफ, ये कांच का घर है, कांच के घर में रहने वाले दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। ये घर टूट जाएगा सिनान, मैं बता रहा हूँ, और तुम इसे नहीं संभाल पाओगे। मैं बता रहा हूँ कि नहीं संभाल पाओगे। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है तुफैल साहब, और कोई भी खौफ मुझे यशम से दूर तो बिल्कुल भी नहीं रख सकता है। सुन लिया आपने, कल ही जाकर उसको प्रपोज करूंगा मैं। इस्तांबुल वापस जाते ही तैयारियां शुरू हो जाएंगी, बता दूं मैं आपको। अच्छा हो या बुरा, आप साथ हो या नहीं, जाओ। सिनान मैंने कहा दफा हो जाओ। सिलान शक्ल मत दिखाना।
खुश आमदीद सिराज। आओ तुफैल, कैसे? शुक्रिया। ओह माशाल्लाह, आ गई आप। अरे उस्मान, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। खुश आमदीद। आ जाए, आप लोग यहाँ आ जाए, आप लोगों की टेबल बुक है। अरे सिराज भाई, कहाँ जा रहे हैं आप? छोड़ो उस टेबल को, आपके लायक ही नहीं। इस तरफ चलिए, ऐसी टेबल लेके मजा आ जाएगा आपको। सुनो सादिर, किस मिट्टी से बने हो तुम? तुम क्यों इनकी जान के पीछे पड़ गए? उस्तरान की जान छोड़ दो। है क्या मतलब है तुम्हारा? मेहमानों की इज्जत करना सीखो। बस बस, तुम्हारे मेहमानों को मैं खुद देख लूंगा। अरे यार, ये भी मुसीबत है। जलाल बहुत शुक्रिया, मगर हम लड़के वालों की इज्जत करते हैं। ये सब टेबल्स हमारी ही हैं यहाँ पर। चलो तुम कह रहे हो तो ठीक है, मगर सिराज भाई आप हमारी टेबल पर जरूर आइएगा, आपके लिए खास इंतजाम है। हाँ ठीक है ठीक है, चले आए सिराज साहब। परवीन साहिबा, इस तरफ आ जाए आप। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, आप सब भी यहाँ आ जाए। लैला, सरा यालन के दादा को तो देखो, वो जानते ही नहीं है कि वो किन पागलों में फंस गए हैं। बहुत ही बुरी बात है डेफने। क्या मतलब अंकल, दादा की उम्र के हैं? अरे यालन के दादा है तो फ्यूचर में मेरे भी दादा ही हुए ना। आइए आइए, खुश आमदीद, बहुत खुश आमदीद। आइए आइए, अरे आइए यहाँ बैठिए। हाँ बैठिए बैठिए, खुश आमदीद। तुम यही रुको। अरे आइए ना यहाँ बैठिए। भाई हम अपनी बहस बाद में कर लेंगे, अभी यहाँ इतने सारे मेहमान हैं। हाँ अच्छा ठीक है, चलो चलो मेरे साथ चलो, तुम यहाँ पर बैठो। खुश रहो, आबाद रहो। हाँ ये लो, ये पहन लो। वैसे हसीबे, तुमसे पहले तो बड़ी बहन की शादी होनी चाहिए थी, लेकिन उसने मुझे कहा पहले मैं शादी कर लूं। हाँ बिल्कुल, मुझे तो किसी का इंतजार है। अरे देखो उसने मुझे भूल दिया। अच्छी बात है, अपने महबूब का इंतजार करो, वो जल्द आएगा, फिर कर लेना शादी तुम। बिल्कुल, उसने मुझसे वादा जो किया है। अल्लाह मुझे सबर दे, अल्लाह मुझे सबर दे, सही सलामत इस्तांबुल पहुंचा दे। मैं कातिल बनना नहीं चाहता, अल्लाह मुझे कातिल बनने से रोक दे, अल्लाह मुझसे कत्ल हो जाएगा। जश्न यार। हाँ मेरी जान। हबीबे जरा ध्यान से सुनो, यहाँ पर एक ही दुल्हन काफी है, तुम ज्यादा ख्वाब मत देखो सिनान से शादी के। जी कहा भाभी, एक शादी में एक दुल्हन काफी है, और मुझे वैसे भी कोई जल्दी नहीं। हबीबे तुम ठीक तो हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। हबीबे उठ जाओ, गुस्सा मत दिलाओ। हेलो हेलो, कम ऑन, ये क्या बात है मेरी जान? इतना अच्छा म्यूजिक है और हम बैठे हुए हैं। चलो अब यहाँ कोई नहीं बैठेगा, आ जाओ यशम। अरे लेकिन मुझे डांस नहीं आता है। अरे मेरी जान, इतने सारे लोग हैं, क्या फर्क पड़ता है? और अब मेरे भाई की दुल्हन नहीं बनना क्या तुम्हें? आ जाओ चलो शाबाश, तुम भी आ जाओ। मुझे नहीं जाना, तुम चले जाओ। इस्तांबुल में तो बहुत ज्यादा टैंगो कर रही थी तुम, अब मैंने बुलाया है तो मना कर रही हो, ये तो कोई बात नहीं, आ जाओ चलो। डेफने नहीं आना मुझे। अच्छा ठीक है, तुम तो कई सालों से इस घर की बहू, अब तुम्हें भी दावत देनी पड़ेगी क्या मुझे? डेफने, मुझे यकीन था मेरी प्यारी भाभी मुझे कभी मना नहीं करेगी। चलो उठो आ जाओ। Oh,
मेरे दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, हमेशा की तरह हमारे इस रस्मी खेल में मैं बरूची फैमिली से दो अफराद बुलाना चाहूंगा। हम इससे पहले भी इनका चाकू वाला डांस देख चुके हैं, तो फिर क्यों ना दोबारा हो जाए मेरे दोस्तों। तो आइए इनका इस्तकबाल करते हैं। लो, बाद में लड़ना था ना, कोई बात नहीं, अभी लड़ लेते हैं। और इसी के साथ हम शादी की तकरीब भी खत्म करेंगे। सिनान साहब, क्या आप इस तकरीब को यादगार बनाएंगे? सोच रही थी कि दो दिन हो गए और ये लड़का इतना खामोश है, लेकिन अब समझ आया कि तूफान से पहले की खामोशी थी। लेकिन ये याद रखना कि जब तुम उन्हें बता दोगे तो वो मुझे यहीं पर दफना के जाएंगे। मैं डैफने से प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है। मैं अब तुमसे नहीं, सीधा अपनी बहन से बात करूंगा।